हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से हवे, जहां 18 साल के लड़का के हत्या कई की ओका बैकुंठपुर के मंदिर के भीतर फेंक दिन गा। अपना को बताई दी कि घटना के जानकारी आगे किनाई फैली था, आस पास कई एक जने इकट्ठा हो गए और पुलिस का जानकारी दी। वहीं पुलिस मौका माही पहुंच के FSL के टीम को बुलाए के सबूत जुटावे के कोशिश करी हिबे। बतावा जाता है कि युवक के गला दबाए के हत्या कीन गई है, ओके बाद टांगी से उनकर गर्दन काट दीन गई है। युवक के आए कहां के रहे वाला है और कौने हालात में उनकर हत्या भई हिबे, एक जानकारी तो नहीं लगी आए। पर पुलिस से लापता युवकन के बारे में ही नियरे के थानन से जानकारी जुटावे में जुटी है। और अब बात करी थे रीवा के गंगेव जनपद के, जहां के CEO प्रमोद ओझा के ऊपर एक दरकी पुन के भ्रष्टाचार के चलते कार्रवाई के मांग की जा रही है। अपना को बताई दी कि CEO प्रमोद ओझा का एक पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला करे के कारण प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग उमाकांत उमराव निलंबित कई दे रहे। अपने राजनीतिक पहुँच के चलते प्रमोद ओझा पुन के गंगेव जनपद के CEO पद में बैठ गए रहे। ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी उनका गंगेव जनपद से हटावे के मांग कर रहा हमा। रीवा जिले में अभी 1 जुलाई चरण के चुनाव हुए हैं और उसमें ये देखा गया है कि गंगेव जनपद की एक पंचायत है सुखा ग्राम पंचायत, जिसमें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के जो PA रहे हैं अवधेश तिवारी, उनकी पत्नी भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही। तो अभी ग्रामीणों ने जो वहाँ के और भी जो कंटेस्टेंट थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ पर धांधली की गई और इसमें सम्मिलित तौर पर जो मनगमा के तहसीलदार हैं अनुराग त्रिपाठी, उनका रोल संदिग्ध है और साथ में एक कोई PI KP त्रिपाठी करके थे, जिनकी सुबह 6 बजे से शाम को रात को 11 बजे तक वहां पे ड्यूटी लगाया जाना बताया गया है, तो उनका भी रोल वहां पे संदिग्ध रहा। जिला माही होए वाले निकाय चुनाव माही पहल चरण के मतदान नगर परिषद महुगंज हनुमना और नईगढ़ी में भा, जहां चुनाव माही मतदान केंद्रन मलाई के बिहन्निन से मतदातन के खासी भीड़ देखी गए। वहां एक दर के पुन के पुरुषन के तुलना माही महिला मतदान माही अपन भागीदारी अधिक साबित करी। नाम है इसमें गलत नाम, क्या आप वोट डाल चुकी हैं? अभी नहीं डाले। हाँ, आपका वोट पड़ चुका है? नहीं पड़ा है हमारा वोट। तो आपके नाम से किसने डाला है? हम को जाने के डाला है। नहीं, आपके नाम से वोट डाल चुका है, वहाँ क्या बताएं आप? बोले कि वोट डाल चुका है। अब आपने वोट नहीं डाला, आपके नाम से किसी ने वोट डाल दिया ना। ऐसा है ना, कहाँ किस वार्ड? 7 वार्ड से हैं? 7 वार्ड से। दिलीप सौंधिया। किस वार्ड के हैं? 10 वार्ड। आप वोट डालने गए थे? हाँ, डालने गए थे, मेरा वोट पहले डाला हुआ था। पहले डाल चुका था आपका वोट? वहाँ जाने के बाद क्या पता चला? वहाँ डाले के बोला वहाँ वोट तुम्हारा पड़ गया। पड़ गया है वोट? आपको दोबारा वोट डालने नहीं दिया गया? नहीं दिया। क्या नाम है? प्रतिभा यादव। वोट 4। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? ताकि कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेज आए, इसीलिए तो वोट। दिक्कतें क्या दिखती हैं आप लोगों को? दिक्कतें नगर में। हाँ। नगरीय निकाय चुनाव के पहल चरण में ही बिहन्निन 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जोने में ही हनुमना महुगंज नईगढ़ी खातिर वोटिंग की जाला ही भाई। बिहन्निन से मतदातन के खासी भीड़ देखने को मिली। बिहन्निन 7 बजे से मतदान शुरू हो गया रहा, जोने में ही पहले तक धीरे धीरे लोग आवत रहे, पर जैसे समय बढ़ा चला गया वहाँ मतदान खातिर लोगन के भीड़ चुहाला। बुलेटिन की अगली खबर सतना से रही, जहां के वार्ड 40 में ही वार्ड प्रत्याशी के बीच में ही लड़ाई झगड़ा के बाद समूह आई। बतावा जाता है कि जो प्रत्याशी रहे उनका एजेंट मतदातन का ही पर्ची दिखाए के रिझावे के प्रयास करत रहे, जोने के कारण विवाद भा। वह मौका माही दल बल के संगे कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे और हालात का काबू में करी ही बे। आप जाके देख के ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जनता का हमारा बच्चा।
चुनाव के नियरे उतर सभी पार्टी के नेता अपने जोर आजमाइश माही लगे। हम अपना बता दें कि 7 जुलाई का यहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के दौरा हो वाला है। तुम्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घलाए रीवा के दौरा करी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे में ही वेंकट भवन के समूह सभा का संबोधित करे वाले हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास खातिर वोट मगे ही तो कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा के खातिर वोट दे के अपील करी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें आज सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करते हुए समस्त पुलिस अधिकारी यहाँ हमारे जो ड्यूटी में रहेंगे उनको आज भ्रमण कराया गया है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में जो कमी ना रहे और उनका आने का रूप इस प्रकार का रहेगा। वैसे तो जो नॉन गवर्नमेंटल कार्यक्रम है और लोगों के हिसाब से ये कार्यक्रम बना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग और साथ की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम जो आने जाने का रास्ता है और जो बिल्कुल सेवा संगठन एक किडनी मरीज के इलाज करावे खातिर सहयोग कई के 25,000 रुपया के सहायता करी। अपने को बता दें कि दुआरी के रहने वाले 33 साल के प्रदीप सिंह तिवारी के दोनों किडनी खराब हो चुकी है। मरीज डायलिसिस में है, हम पाए इलाज खातिर पैसा नहीं है, जोने के बाद संघ के पदाधिकारी इलाज माही मदद करी नहीं भाई। बतावा जाता है कि मरीज के अहमदाबाद माही इलाज चल रहा है, जोने खातिर पिपर सेवा संघ के लोग मदद करी नहीं भाई। रीवा माही अन्नदाता एक कई जहां चुनाव के माहौल में फंसा हुआ तो वहीं बरसात उतर उनकर धान के खेती के समय हो चुका है। अन्नदाता नर्सरी घलाए तैयार कर चुके हैं मगर खादी के अभी उनका इंतजार है। जैसे अब हमारे पिताजी खत्म हो गए, अब उनके नाम पट रहा है तो हमें खाद नहीं मिल रही है ना सोसाइटी में। आप देख रहे हैं कि धान की नर्सरी हमारे खेतों में किसान तैयार कर चुके हैं और खाद के इंतज़ार में हैं। अच्छी बारिश होगी, पानी बरसेगा, धान के लिए लेव लगाएंगे और नर्सरी किसानों ने पहले से ही तैयार कर ली है, लेकिन समय से अगर खाद न मिली तो क्या होगा किसानों के। किसान ये चिंता कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि बारिश अच्छी हो और हमारे किसान अच्छे से खेतों में लेव लगाएं, उसी वक्त किसानों को खाद मिल जाए और हमारे किसान खरीफ की खेती अच्छे से कर सकें। हम यही अनुरोध अपने जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि किसानों को, सभी किसानों को समय से खाद और बीज बिजली का पूरी तरह से बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे हम अपने मध्य प्रदेश को खाद्यान्न के मामले में, खरीफ की सभी फसलों के मामले में आत्मनिर्भर और निर्यात के काबिल बना सके। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली खबर खातिर देखते रहिए मालविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।